नमस्कार, मैं उषा शर्मा। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और कुछ ना कुछ मेरे घर में मीठा खाने को जरूर चाहिए, तो बेसन सबके घरों में अक्सर रहता ही है, सूखी चीज़ है। तो एक चमचा मैंने बेसन ले लिया है। आप कोई भी बर्तन से ले सकते हैं, मैंने आज चमचा ले लिया है। और इसी चमचे से मैं शुगर लूँगी और इसमें मैं देसी घी ऐड करूँगी अभी थोड़ा सा, और इसको हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। अगर देसी घी कम है तो कम भी डाल सकते हैं, बस इसको लो फ्लेम पे भूनना है। थोड़ा सा घी और डालूंगी मैं। अगर देसी घी नहीं है तो आप सूखा बेसन भी भून सकते हैं और घी बाद में भी डाल सकते हैं एक चम्मच, उससे खुशबू अच्छी आ जाती है। सूखा भी भून सकते हैं, लेकिन अच्छे से बनानी है तो घी में भूनिए। बिना घी के भी बना सकते हैं, फिर उसमें हम बाद में मलाई ऐड करते हैं। अभी बेसन मेरा लो फ्लेम पर भून गया है, अच्छे से खुशबू आने लगी है। और इस स्टेज पे अभी घी अलग नहीं हुआ, लेकिन अच्छे से देखिए हल्का हो गया है। जब हल्का होने लगे तो इसका मतलब हमारा बेसन भून गया है। ये देखिए हल्का हो गया, ये देखो, तो इसका मतलब हमारा बेसन भून गया है। अब मैं क्या करूँगी, कम बर्तन करने हैं मुझे, तो इसको मैं एक साइड में कर देती हूँ और बीच में हम थोड़ी सी मलाई डालेंगे। बीच में हम मलाई डालेंगे। मैंने घी भी डाला है तो, लेकिन मलाई मेरे डालने का मतलब है कि इसका मावा बन जाएगा तो टेस्ट अच्छा आएगा। एक चमचा मैंने मलाई डाल दी, इसका मावा बन जाएगा। और बेसन साइड में रहने दीजिए, इसका बीच में हम मावा बना लेते हैं। और बेसन को साइड में से सामने नहीं लाना, नहीं तो मावा अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा सा आ जाए तो कोई बात नहीं, इसको चलाते हुए हम मावा बना लेंगे। देखिए इसका मावा बनना शुरू हो गया है। थोड़ा बेसन आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिक्सिंग तो बेसन में ही करनी है। तो इसको मैंने हल्का सा तेज कर दिया गैस को। बस अब गैस की फ्लेम को फिर से लो कर दिया मैंने, नहीं तो ये मलाई हमारी जलने लगी है। तो जलाना नहीं है, हमें अच्छी खुशबू चाहिए, समझ गए ना। ये देखिए साइड से जलना नहीं चाहिए। अब क्या करना है हमें, अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया मैंने। अब मैं इसमें नारियल का बुरादा, ये है जितनी आपकी गुंजाइश है उतना डालिए, मैं यहाँ पर एक चमचा ही डालूँगी। मैंने एक चमचा ही नारियल का बुरादा ले लिया है। और अब हम बेसन को इसको सबको मिक्स करते हुए चला लेंगे। बस इतना हमारा हाफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब मेरे को क्या करना है, इसको मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। मैंने आज साथ साथ काम इसलिए नहीं किया है कि मुझे ये बर्तन बहुत कम करने हैं, मैं बर्तन माँज माँज के बहुत थक गई हूँ। तो अब मैं इसे बर्तन में निकाल लूँगी और इसी में हम चाशनी बनाएंगे। एक ही बर्तन में मैं सब काम करूँगी। अब मैंने इसको, मैंने जो बेसन भूना था सब इस प्लेट में निकाल लिया। ये प्लेट भी मेरी ग्रीस करके काम आएगी और इसकी चिकनाई से ग्रीस भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। और ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा घी और लगा लेंगे। यहाँ मैं यहाँ पर शुगर ले रही हूँ एक चमचा, और गैस ऑन करके इसको मेल्ट करेंगे, ठीक है ना। एक चमचा बेसन हो गया, एक चमचा नारियल पाउडर हो गया, एक चमचा शुगर हो गया। शुगर आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें अभी मैं पहले आधा कटोरी पानी डालूंगी। क्योंकि थोड़ी कटोरी मेरी बड़ी है, ज़्यादा कटोरी पानी डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। एक चमचे के हिसाब से मेरी आधी कटोरी डलेगा। तो अब इसकी चाशनी बनाने के, जैसे कि पहले चाशनी बनाना बताया है, और इसमें दो केसर की पत्तियां भी मैं डाल देती हूँ।
केसर की पत्तियां डाल देती हूँ उसमें। केसर हम घोल के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं घोलना भूल गई थी। अब मैंने इसमें डायरेक्टली डाल दिया है, फिर भी कलर आ ही जाएगा हमारा और थोड़ा खुशबू भी आ जाएगी। इसको हम भूनने तक अच्छे से मेल्ट होने देंगे और एक तार की चाशनी इसमें आएगी जब हाथ में हमारी चिपकन शुरू हो जाए। पहले भी बताया मैंने चाशनी बनाना आपको, और इसमें मेरा ये भी ठंडा हो जाएगा। इसको और चाशनी को तब मिक्स करते हैं थोड़ा ठंडा होने पे, गर्म में बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, हमेशा थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए तभी उसको मिक्स करना है। इस बात का इसमें विशेष ध्यान में रखें, अगर गर्म को हम मिक्स करेंगे तो हमारी चीज़ ख़राब होने का बहुत डर है। देखिए थोड़ा कलर आ गया केसर का इसमें, और पानी में घोल करके और भी अच्छा आ जाता आ जाएगा धीरे धीरे और भी, लेकिन खुशबू तो वही आएगी जो आनी चाहिए। थोड़ा और पकेगी हमारी चाशनी, चीनी मेल्ट हो गई है, और पकने दीजिए, अभी चिपकन नहीं आई है, अभी नहीं आई है। देखिए मैं चाशनी डाल के देखिए इसमें, और हमारी चिपकन आ गई है, इसका मतलब हमारा चाशनी रेडी है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, गैस की फ्लेम ऑफ। अब ये हमारा बिल्कुल ठंडा है और ये चाशनी रेडी है। अब इसमें हम चाशनी में इसको ऐड करके मिक्स करके और फिर हम प्लेट में जमा देंगे। अभी थोड़ा सा घी लगा के और ग्रीस कर लिया मैंने, और इसमें हम पेस्ट को डाल देंगे जो हमने मिक्स किया है। ये इस पेस्ट को हम प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने पर इसके पीसेस बना लेंगे। और ये मैंने अच्छे से जमा दिए, पलटे से टाइट भी हो गई है, ये बहुत जल्दी जम जाती है, इसे ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए गर्म है लेकिन है बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसके हम चाकू से पीसेस कर लेते हैं, ये चाकू से कटिंग कर ली है और बहुत आसानी से ये पीस हमारे निकल आते हैं। ये देखिए ये आसानी से पीस हमारे स्लाइड हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, सॉरी। देखिए क्योंकि मैंने इसमें नारियल डाला है और बेसन है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि चिपके। अब इसको हम साथ के साथ पीस, बीच वाला उठाना मुश्किल था। और यहाँ मैंने प्लेट ले ली है, इसमें मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी या फिर इसी में रख दीजिए, ये तो एक फॉर्मेलिटी है कि मैं इसमें प्लेट में सर्व करके दिखा रही हूँ। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू ईयर सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारी सर्व करने के लिए रेडी है। आज ड्राई फ्रूट खाने का मन नहीं था हमारा तो मैंने इसमें चिपकाए नहीं हैं, लेकिन सर्व करने में मैं शो कर रही हूँ ताकि अच्छा लगे आप लोगों को। सबकी इज्जत का सवाल है। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूअर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। और बनाइए इसको लॉकडाउन में बनाकर, बेसन घर में है, नारियल घर में होता है, अगर नारियल ही घर में नहीं है तो दूसरा नारियल ले लीजिए, उसका काला छिलका चक्कू से हटा करके अंदर वाला पीस लो, वो डाल दो, वो डाल सकते हो। और भी ऑप्शन है, मैं एक नए मीठे में वो ऑप्शन बताऊँगी, यहाँ नहीं बता सकती, और उसमें मैं दिखाऊंगी कि वो भी ऑप्शन आप है मीठा खाने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।